आपका स्वागत है इंदु ब्लॉग्स एंड कुकिंग में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी, आलू का पराठा। आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा लिया है, बॉईल किए हुए आलू, कुछ कटा हुआ प्याज, अदरक और हरा मिर्च। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाएंगे। आटे में थोड़ा सा नमक मिक्स किया है, इसे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देके अच्छे से एक डो तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटा गूंद चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी, जिससे और ये मुलायम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छे से मैश कर दिए मैंने। अब बाकी का ये चॉपर में डाल के चॉप करना है। इसमें अच्छा सा बारीक प्याज कट जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना फाइन चॉप हो गया है। अब मैं इसे इसमें मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें हींग मिक्स कर रही हूँ, साबुत जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, इसमें हरा धनिया पड़ता है, पर लॉकडाउन की वजह से हमारे पास हरा धनिया नहीं है। अगर आपके पास हो तो इसमें ज़रूर मिक्स करिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले आलू में मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको पराठे कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको भर के दिखाऊंगी। आलू पराठा बनाने के लिए लोई हमेशा थोड़ा मोटा लेना चाहिए। रोटी में आप कम भी ले सकते हैं, पराठे में भी कम ले सकते हैं, पर पराठा बनने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ऐसे इसको हल्का सा ऐसे करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। आप चाहे हाथ की सहायता से भी बड़ा कर सकते हैं या बेलन की ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको भर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप आलू का पराठा कैसे बनाती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वो आलू का पराठा बनाते हैं तो निकल जाता है। अगर किसी का आलू ड्राई नहीं है, गीला है, तो आप जब उसका मिक्सर तैयार कर रही हैं तब उसमें आप चावल का आटा या बेसन का आटा 2 चम्मच मिला दीजिए। उससे आलू का पराठा क्रंची बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और निकलेगा भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके इसको धीरे धीरे ऐसे करके भरना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ऐसे इसको मुलायम हाथों से ही हल्का हल्का प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह, देखिएगा फ्रेंड्स, ये कहीं से भी नहीं निकलेगा, परफेक्ट आलू का पराठा बनेगा। आप इसी ट्रिक से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे ऐसे उठा उठा के बेलना है चारों तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, कहीं से भी ये आलू नहीं निकला है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको, देखिए फ्रेंड्स, मैंने तवा रख दिया है, अभी तवा गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर पराठा डाल लूँगी। गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। हल्का सा ही ऑयल लगाऊंगी, चारों तरफ से अच्छे से फैला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पलट दिया है। अब मैं फिर हल्का सा ऑयल दूंगी।
देखिए फ्रेंड्स, आलू का पराठा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ कि कैसा बना है, इसकी स्टफिंग कैसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू का पराठा बन के तैयार हो गया है। इसमें कितनी अच्छी स्टफिंग है फ्रेंड्स। देखिए आलू का पराठा तैयार है। इसे मैंने दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।